सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण से कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से इन प्रश्नों के उत्तर सुनिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, छोटा बच्चा सबसे पहले क्या बोलना सीखता है। तो आपको मैंने पाठ में पढ़ाया है कि छोटा बच्चा सबसे पहले माँ बोलना सीखता है। छोटा बच्चा सबसे पहले क्या बोलना सीखता है? छोटा बच्चा सबसे पहले माँ बोलना सीखता है। अगला प्रश्न है, अक्ष त्र ज्ञ श्र आदि को क्या कहते हैं? आप सभी को पता है इन सभी को संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर कहते हैं ना? नहीं, इसका मतलब आप लोगों को याद नहीं है। इन सभी को अक्षर त्र ज्ञ और श्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? फूल का पर्यायवाची शब्द सुमन होगा, पुष्प होगा। अगला प्रश्न, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नील, जल। अगला प्रश्न है, जो मूर्ति बनाता हो उसे क्या कहते हैं? जो मूर्ति बनाता है उसे हम लोग मूर्तिकार कहते हैं। जो मूर्ति बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो मूर्ति बनाता है उसे हम लोग मूर्तिकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम लोग अनपढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनपढ़ कहते हैं। अगला प्रश्न, विलोम शब्द किसे कहते हैं? अगला प्रश्न क्या है हमारा, विलोम शब्द किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रातः का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा, शाम। अगला प्रश्न है, आना का विलोम शब्द क्या होगा? तो आना का विलोम शब्द जाना होगा। देसी का विलोम शब्द क्या होगा? तो देसी का विलोम शब्द विदेशी होगा। मेरा अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? इसका उत्तर होगा 11। क्या होगा उत्तर? 11। हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 35। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? 35। अ आ छोटी ई बड़ी ई क ख ग आदि को क्या कहते हैं? आदि को वर्ण और अक्षर कहते हैं। तो चलिए, आज का जितना भी हमारा प्रश्न था, मैंने आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को सुनिएगा, इसके उत्तर को सुनिएगा और याद कीजिएगा, तथा परीक्षा में आने वाले पाठों में जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद कीजिएगा। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।